सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी। टेलवी नप दो। नप दो। हेलो जी, माय नेम इज रमेश सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर। सशिकाल। डोलियां च देखो किन्नी ताकत आज, क्योंकि अज आपां वीडियो देखने वाले हैं एक पहलवान की। अच्छा। जो कि द ग्रेट गामा नाम तो मशहूर होए ने, यह बहुत ही पुराने जदों अपने इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन हुई सी उदों दे पहलवान है। तो मन्या जाता कि यह इन्ने ज़्यादा ताकतवर सी, इन्ने ज़्यादा यह मतलब पावरफुल सी कि कोई भी मैच हारे नहीं है अपनी लाइफ में, पूरे लाइफ सर्कल के दौरान एक भी मैच नहीं हारे भैने। इदा कि गल् कर दी होंगे ना बुढ़िया भैने, वैसे तुम तो मेरे घर वाली हो, इदा कि हो सकते हैं। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਰੂਸਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਵੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗਾਮਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯੈਸ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕਰਿਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਘੁੱਸ ਜਾਓ ਜਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੇਅਰ ਵੀਵੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਗਾਮਾ ਔਰ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੈਸੇ ਨਾਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਭੀ ਨਾ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨਾਮ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਲਾਈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇ ਉੱਚਾ ਕੀਆ। ਭਾਰਤ ਕਾ ਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇ ਗਾਮਾ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਇਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਅੱਛਾ। ਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇ 1000 ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਗਾਤੇ ਥੇ। पहलवानी के दौर में गामा की उपलब्धियां इतनी अविश्वसनीय थी कि आजकल के लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। विश्वास हो ही नहीं रहा कि इतनी डाइट कितना ले लेंदे सी। वो में कभी हुए थे यहां तक कि ब्रूसली भी गामा पहलवान के दीवाने थे। दोस्तों बता दूं कि कुछ महीनों पहले मैंने ब्रूसली के जीवन पर एक वीडियो बनाई थी और तब मैंने इस बात का जिक्र किया था, जिसके बाद से ही लगातार मुझे गामा पहलवान को लेकर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट आ रहा था और आप लोगों के ही डिमांड पर मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस महान हस्ती के लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर था। I'm right। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था, जो कि एक प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान थे। लेकिन गामा के जन्म के कुछ ही सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। That's bad। और तब दतिया के महाराज ने गामा को पहलवान की ट्रेनिंग देने के लिए अपने पास रख लिया, जिसके बाद पहलवानी के गुण सीखते हुए गामा ने सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में कई महारथियों को धूल चटा दी। और इतने छोटे उम्र में अपने अद्भुत टैलेंट की वजह से वे आसपास के राज्यों में बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन गामा का नाम पूरे देश में तब प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने 1895 में सिर्फ 17 साल की उम्र में रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज दे डाला। दोस्तों, रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन उस फाइट से गामा को जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने उस मैच में रहीम से बराबर की कुश्ती लड़ी। वाह। और आखिरकार मैच ड्रॉ हो गया। मतलब कोई हाइट मैटर नहीं कर दी। उन दिनों रहीम के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। लेकिन 17 साल के इस लड़के ने मैच ड्रॉ करवा के सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। साल दर साल गामा पहलवान की प्रसिद्धि बढ़ती रही और गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर से गामा का सामना रुस्तम हिंद रहीम बख्श से हुआ, लेकिन इस बार भी मैच ड्रॉ रहा। अब गामा एक ऐसे पहलवान बन चुके थे जिन्हें रिंग में कोई भी नहीं हरा सका था। भारत में अजेय रहने के बाद गामा ब्रिटेन गए
और वहां जाकर उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बनाया। लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। इस बात का गामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहां के सबसे बड़े पहलवान स्टैनिस्लॉस जविस्को को खुली चुनौती दे डाली। वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लॉस ने भी गामा के दिए हुए चुनौती को स्वीकार कर ली और मैच होया। 10 सितंबर 1910 को उनकी फाइट हुई। 2 घंटे 35 मिनट तक वह फाइट चलने के बाद उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला और मैच ड्रॉ रहा। मैच दोबारा 19 सितंबर को होना तय हुआ, लेकिन जविस्को मैच में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। 1911 में इंग्लैंड से लौटने के बाद गामा का सामना फिर से रहीम बख्श से हुआ। रहीम बख्श नहीं छोड़ दे। इस बार गामा ने रहीम को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया और इस जीत के साथ ही गामा के नाम के सामने रुस्तम हिंदी का सम्मान जुड़ गया। आखिरकार 1927 में गामा ने आखिरी फाइट लड़ी और उन्होंने स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन को हराकर खामोशी से इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। 1947 में मतलब उन्होंने रिटायर हो गए। गामा पाकिस्तान में बस गए और वहीं पर लंबी बीमारी झेलते हुए 1963 में बीमारी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग के लिए आजकल के समय में भले ही बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, लेकिन गामा पहलवान ने पत्थरों से बनाए हुए डंबल, हंसली और गोला के प्रयोग से अपनी बॉडी बनाई। वाह। और उनके द्वारा यूज किया जाने वाला सामान आज भी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में। दैट्स ग्रेट। मतलब आप जाके देख सकते हैं क्योंकि इधर इंडिया च पटियाला च। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे। वाओ मैन, दैट्स ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छी लगी वीडियो एंड गामा पहलवान के जीवन बारे थोड़ी जी झलकियां लेके अच्छा लगा। मैनूं तो बड़ी घेंट लगी यार इनफॉरमेशन ये वाली। हां जी, मैनूं वधिया लगी वीडियो। मैं कि मेरे लिए तो बोरिंग होएगी। हां, पहलवान वीडियो पर अच्छी लगी क्योंकि कई लोग ने, कई नहीं एक्चुअली बहुत लोग ने जो इन्हां नूं नहीं जानते होने, है ना, क्योंकि ये काफ़ी पुराने समय तो बिलोंग रखते हैं। तो जिमें इन्होंने दसिया कि बीमारी तो बाद, मतलब बीमारी की होगी मैंने यही नहीं समझ लगी। नहीं, पाकिस्तान बस गए थे, लाहौर चले गए थे। लाहौर में इन्होंने अपना आखिरला समा गुजारिया। तो यार मतलब इन्हें फिट सके, इन्हें इन्हें पहलवान से बीमारी की हो सकती है ना। सो गाइज, ये तो हम पता नहीं कि बाकी थोड़ा सर्च करांगे, दैन पता लगेगा। जे थानू किसी नूं पता तां नीचे कमेंट करके जरूर दस दो। एंड इन्होंने लास्ट मैच जो अपना इंडिया दे विच ही लड़िया सी, जो अपन दस्या इन्होंने, उस तो बाद इन्होंने उतो रिटायर हो गए। तो बाकी इन्होंने डाइट रिटायर हो गए शायद बीमारी करके, हो सकदा कोई रीजन हो सकदा मतलब इतना, या शायद अपन नूं घट दस्या होवे। बट वीडियो विच लिमिटेड जी इन्फॉर्मेशन सी, कोई ज्यादा डीपली नहीं सी। हां जी, ते डाइट दी गल कर रहा सी मैं यार, डाइट इदा किदा हो सकदी है इन्नी, अद्धा किलो बादाम हर रोज दे, क्यों वगैरह भी मतलब इन्ना ज्यादा किवें खा सकदे, क्यों उस बाद चिकन 5 के 6 साफते चिकन यार, एक एक नहीं खादा हुंदा बंदियां तों, ते आपां तां चलो एक भी नहीं खांदे। साफते 6 चिकन मतलब, मतलब जिवें चिकन खांदे लोकी वी 6 चिकन खा लेंदे आ पूरे प्लेटां। पता नहीं इन्होंने प्लेट क्या है, या वैसे तो इन्होंने चिकन क्या है, चिकन मतलब पूरा मुर्गा, मतलब 6 मुर्गे खा लेंदे सी। सच्ची? हो सकता है यार, ताही ता क्योंकि पहला जिहड़ियां डाइट सी ना, वो स्ट्रांग हुंदियां सी, लोकां दी खुराक ज्यादा हुंदी सी, हेल्दी हुंदी सी, इन्नी भी नहीं मतलब खांदे होने डाइट वगैरह, इन्नी भी लैंदे होने, बट वो पहलवान सी ना, पहलवान सी, शरीर भी भारा सी। हो सकता है क्योंकि एक बार जेकर उन्हां दी वो डाइट वो बन गई तो उन्हां दी बॉडी वो चीज़ मंगेगी बार बार, है ना, भी उन्हां नूं फिर हो सकता है एक दो चिकन नाल हेल्दी चीज़ां खांदे सी मतलब। हाँ चलो, सो गाइज काफ़ी अच्छी वीडियो सी एंड असी इन्हां बारे होर जानना चाहवांगे। जेकर तुहाडे कोल कोई वीडियो है जी, जां तुसीं बनाई है जां तुसीं देखी है, तो असीं रिकमेंड कर सकदे हो जिहदे विच थोड़ी ज़्यादा इनफॉर्मेशन होवे इन्हां दे बारे, सो वो असीं तुहाडे नाल देखना पसंद करांगे। हाँ जी, भी पूरी इनफॉर्मेशन होवे जिथे मतलब सब कुछ दस्या होवे,
ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰੂਸ ਲੀ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਮ ਜੁੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ 'ਚ ਜਾਓ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਬਲਸ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਮ ਲਗਾਓ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਓਕੇ